BismillahirRahmanirRahim Assalamu Alaikum You are watching my YouTube channel Six English Point I am Muhammad Shafiq In today's video we have M English Part 2 Literature and paper number 2nd Drama and the drama is uh, Hedda Gabler written by Ibsen and uh, its most important question Hadda as a Tragic Hero So let us start this questions line by line with proper translation Since its creation जब से इसकी इब्तदा हुई है या तख्लीक़ हुई है द करेक्टर ऑफ हैडा गैबलर हैज़ बीन एन ऑबजेक्ट हैडा गैबलर का किरदार एक अनसर रहा है ऑफ स्पेकुलेशन अंदाजा लगाने का एंड कंट्रोवर्सी और तजाद का फॉर क्रिटिक्स नकादों के लिए एंड जनरल रीडर्स अलाइक और आम पढ़ने वालों के लिए भी फ्राम द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द प्ले द इमेज ऑफ है अपीयर्स एज अ डोमिनेटिंग फीमेल ड्रामे के आगाज़ से ही जब हम इसको पढ़ते हैं तो हैडा का की जो तस्वीर है वो ज़ाहिर होती है एज ए डोमिनेटिंग फीमेल कि वो एक गालिब आने वाली ख़तून है हु यूज़ मैनिपुलेटिंग टैक्टिक्स जो चलाकी होशियारी से चल चालें चलती है टू मेंटेन एंड कंट्रोल पीपल अराउंड हर लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो उसके इर्द गिर्द होते हैं लेटर शी अपीयर्स टू बी अ अरेबल बाद में फिर वो जाहिर होती है एक बागी एंड अ फ्रीडम फाइटर और फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाली अगेंस्ट द दनवेंशन रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ एंड कंजरवेटिव और रवायती विक्टोरियन मलका विक्टोरिया के स्टैंडर्ड्स मेयारों के खिलाफ सो हर करेक्टर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मैनी फोल्ड उसका किरदार काफ़ी पेचीदा और तेहों सो हर करैक्टर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स उसका किरदार बहुत पेचीदा है एंड मैनी फोल्ड और तहों वाला है शी इज़ मैनीपोलेटि वो चलाकी हो शा से काम लेने वाली है या अट्रैक्टिव फ़िगर्स और पुरकशिश शख्सियत भी है द प्ले रिवॉल्व अराउंड हर करेक्टर उसके किरदार के गिर्द ये ड्रामा घूमता है एंड हाई लाइट्स एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ अ वमेन और हाई uh, लाइट्स रोशन करता है बहुत से पहलू ज़िंदगी के एक औरत के बिलोंग्स टू तो अपर क्लास लाइक हैडा गैबलर जैसे कि हैडा एक ऊँचे तबके से तल्क रखती है जस्टन मकार्थी प्रेजेज़ हर इन दीज वर्ड्स जस्टन मकारारथी ने तारीफ़ की है इन अल्फाज में उसकी और कहता है कि हैडा इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वोमेन दैट डिप्सन हेज़ क्रिएटेडन ने इससे पहले इतनी दिलचस्प ख़तून का किरदार नहीं पेश किया ऑन दी अदर हैंड एंड नोवेजियन क्रिटिक्स कॉल्ड हर नॉर्वे का रहने वाला नॉर्वेजियन के क्रिएटिक उसके बारे में यह कहता है कि मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय ऑथर दफ ने एक जिन औरत पैदा की है इन द फॉर्म ऑफ अ वमेन औरत के रूप में हु हैज़ नो काउंटर पार्ट जिसका कोई मुकाबला नहीं इन द रियल वर्ल्ड हकीक़ी ज़िंदगी में द करैक्टर ऑफ एडा इज़ रिवील टू अस फ्राम द वेरी आउट सेट आउट सेट आगा से ही एडा का किरदार हमारे लिए रिवील्ड बेनकाब होता है टिल द एंड ऑफ द प्ले ड्रामे के आखिर तक एप्सन सक्सेसफुली मैनेज टू डिसक्लोज इप्सन ने कामयाबी के साथ तरतीब ल लगाई है बेनकाब करने में डिसक्लोज करने में द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हर पर्सनैलिटी उसकी शख्सियत के मुख्तु पहलुओं को इन एक्ट वन शी अपियर्स एज ए न्यूली मेरिड वूमे एक्ट वन में वो हमें नई शादीशुदा ख़ा दिखाई देती है रिटर्निंग फ्राम हर सिक्स मंथस हनी मून से छः माह के हनी मून के बाद वापस आती है बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम इन कॉन्टेक्ट विद हर ज़्यादातर लोग जिसके साथ में आते हैं आर डी मोरलाइज बाई हर वखलाक़ी करती है शी प्रूस टू ब इनकेपेबल ऑफ इमोशनस जज्बात के लिए वो नया अहल ख़ा साबित होती है एंड एनसीम्पथी फॉर अदर्स और दूसरों के लिए हमदर्दी शी मेक्स स्नोबिश रिमार्क्स वो बड़े ज़िद्दी और खुरदरे जुमले बोलती है आंटी जोजो के लिए इन फर्स्ट विजिट जब आंटी जोजो फर्स्ट टाइम उसकी तरफ आती है शी टर्न्स शी टर्न्स अप हर नोज एट जॉर्ज टेस्टमेन स्पेशल स्लीपर टर्न अप हर नोज का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना वो अपने शोहर जॉर्ज टेस्टमैन के स्पेशल स्लीपर जो आंटी जोजो लेके आती है उसकी तरफ से अपना नाक मोड़ लेती है मुंह मोड़ लेती है मतलब शी वो बहाने के साथ इन सर्ट जोजो जो की बेजती करती है फॉर हर न्यू हेट जो आंटी जोजो नया हेट लेके आती है उसके लिए भी शी प्रोज टू तो भी वेरी हार्श रफ एंड रूड वो बहुत सख्त गुस्ताख और बदतमीज़ दिखाई देती है टू अदर्स दूसरों के साथ एंड कैन टिटल रेड दें और उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती इन फैक्ट शी हेड सान जो से वह नफरत करती है एन आंट्राइना ये उसकी दो आंटियाँ थी टेस्टमैन uh, की उसके शोर की शी सेज अबाउट दें वारे में कहती है ओ दीज एवर लास्टिंग आंट्स ये कभी ना मरने वाली हमेशा रहने वाली आंटियाँ ये बिजी थी शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी उसको अपनी खूबसूरती पर फ़ख़र है एज शी हैज़ बिन सराउंडेड बाई हर एडमायर अपने तारीफ करने वालों के दरमियान वो अक्सर घिरी रहती थी आंट जो जो आल्सो पेजिज हर ब्यूटी आंट जो जो भी उसकी खूबसूरती की तरीफ़ करती है शी इज़ आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर फादर अपने बाप पर उसको बड़ा फख्र हैडा गो एंड डज नॉट केयर फॉर हर हजबैंड अपने शोहर से कि बिल्कुल एहतियात नहीं करती वो शी इज अ फादर फिक्सड डॉटर वो बाप के साथ जुड़ी हुई बेटी थी एज़ हिमसेल्फ सेज मुन्फ़ जिसने ड्रामा लिखा है वह खुद ये कहता है कि शी वॉज अ डॉटर ऑफ हर फादर वो अपने बाप की बेटी थी ज्यादा देन द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड बजाय अपने शोहर की बीवी होने के नाते हर टू मच कन्सन्ट्रेशन और हर पटर बैकग्राउंड अपने नानकों के uh, पस मंजर पर जिंदगी के पस मंजर पर उसका ज्यादा कन्सनट्रेशन उसकी तो हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूटी कॉन्शियस और उसका बहुत ज़्यादा आम जरूरत से ज़्यादा खूबसूरती के बारे में बाखबर होना या कॉन्शियस होना बिकम अ हार्डल इन द वे ऑफ हर एडजस्टमेंट उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है विद टेस्ट मैन एज अ वाइफ टेस्म के साथ एक बीवी होने के नाते शी वॉज फाउंड ऑफ डांसिंग शाउटिंग राइडिंग एंड बींग वो शौकीन थी नाचने की चीखने चलाने की घुड़सवारी की और चापलूसी की फ्लैट बाय हर अपने तारीफ करने वालों की तरफ से बट ऑल दिज पैशन लेकिन ये सारे जज्बा ख़त्म हो जाते हैं पार्शली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर उसके बाप के इंतकाल के बाद एंड मेनली बिकॉज ऑफ हर मैरिज विद टेस्टमैन टेस्टमैन और से शादी के बाद हु नॉट अंडरस्टैंड हर मूड्स जो हैडा के मूड्स को नहीं समझता एंड हर प्लेटियल्स लाइफ स्टाइल और उसका शानदार अंदाजा जिंदगी दैट्स शी रिमेन्स डिसट्सफाइड विद हर हस्बैंड शोर के साथ वो ना गैर मुतमिन रहती है लाइफ और अपनी जिंदगी से भी एज अ क्रिटिक सेज क्रिएटेड अ मास्टर पीस इनडा कैबलेट के रूप में उसने एक शाहकार पैदा किया है क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल एक वाज मिसाल ऑफ अ मेला एडजस्टेड अदम यानी एक ऐसी खतून जो एडजस्ट नहीं हो पा रही मेला एडजस्टेड जो अदम तोन का शिकार है सो टेस्टमैन फेल्स टू प्रोवाइड एन अम्यूजिंग कंपनी फॉर हैडा के लिए लुत्फ वाली सोबत देने से उसको महरूम रहता है इस मेजर कंसर्न हिज मेजर कंसर्न इज हिज स्पेल सब्जेक्ट टेस्टमैन का अहम दिलचस्पी उसका खास सब्जेक्ट है हिज थीसिस फॉर डॉक्टरीट डॉक्टर एट के लिए उसका जो थी वो लिख रहा था मज़मून लिख रहा था इवन ऑन हिज़ हनी मोन अपने हनी मोन पर भी ही कीप्स ऑन रीडिंग बुक्स वो किताबें पढ़ता रहता है मेकिंग नोट्स फॉर हज सब्जेक्ट और अपने सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाता रहता है दिस इंटीट ऑफ टेस्टमैन कम्पेल्स हैडा टेस्टमैन का यह रवैयाडा को मजबूर करता है टू कन्फेस के वो मान जाए इतराफ़ कर ले रियल परपज हज मैरिज अपनी शादी का असल मकसद उसके साथ विथ डेस्टमान फ्रंट ऑफ जज ब्रैक जज ब्रैक के सामने अपनी शादी का मकसद वो बयान कर देती है जिससे वो होती शी डिसक्लोज वो बेनकाब करती है बिकॉज अर फादर डिड नॉट लीव फॉर आर एनी सिगनीफिकेंट फाइनेशियलोज टू फुलफ़िल द डिमांड्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी वो कहती है कि उसके बाप ने उसके लिए तरके में कुछ नहीं छोड़ा सिग्नीफिकेंट फिनैनशियलोर्स यानी काफ़ी माली वसायल नहीं छोड़े टू फुलफ़िल ताकि वो पूरी कर सके द डिमांड्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी ऊपर बड़े माशरे के तबके की मुतालबात को इन सच सरकमस्टांस ऐसे हालात में टेस्टमैन वॉज द ऑनली चॉइस फॉर हर उसके लिए आखिरी पसंद थी एंड शी वॉज इन मैरिजेबल एज और उसकी उम्र भी शादी की हो रही थी एंड सोसाइटी बिहेव स्ट्रेंज विद विदली अन गर्ल ग माशरा बर्ताव करता है अजीब तरीके से तनहा और गैर शादीशुदा लड़की से शी वो वस्द्दीक करती है देंड शी डज़ नाट लव टेस्टमैन वो प्यार नहीं करती शी सेज लव इज़ अ सिकली स्टूपिड वर्ड फॉर हर मोहब्बत एक बदतमीज़ और बेव, बेवकूफ़ाना लफज है उसके लिए नॉट ए मिटीगेट हर लोइलीनेस मिटीगेट कम करने के लिए अपनी तनाई को शी मेक्स एन अंडर हैंड अलाइंस वो छुपा हुआ समझौता कर लेती है विध ब्रैक के साथ वकील के साथ एंड एक्सेप्ट हिज ट्राइंगल ऑफ फ्रेंडशिप और उसकी तीन कोना वाली दोस्ती को कबूल कर लेती है ऑन दी अदर हैंड द मैटर ऑफ प्रेगनेंसीो इिटेट्स है प्रेगनेंसी का मामला भी उसको चिड़चिड़ा कर देता है टिल द एंड ऑफ द प्लेट ड्रामे के आखिर तक शी जनाइज हर प्रेगनेंसी से इनकार करती है बिकॉज शी डज नॉट वॉट टू बिकम अ कन्वेंशनल लेडी व रवायती औरत नहीं बनना चाहती और टू तो लिव कन्वेल हाउस होल्ड रूटीन ना ही वो रवायती घर की रूटीन के मुताबिक रहना चाहती है शी आल्सो डज नॉट वांट टू लूज हर ब्यूटी को भी नहीं खोना चाहती शी एक्सक्लेम्स क्लेम्स टू शी एक्स वो इजहार करती है टू ब्रैक अंडर चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ के बारे में आई हैव नो टैलेंट फॉर सच थिंग्स कहते हैं ये बच्चा पैदा करने वाली सिलाई मेरे में नहीं है आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ना ही मैं इस तरह की कोई जिम्मेदारियाँ ले सकती हूँ नीदर शी वांस टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो जिम्मेदारी लेना चाहती है नॉर शी इज़ अलाउड बाई हर बॉर्जियस सोसाइटी ना ही वो अपने आम लोगों वाले माशरे को इजाजत देती है टू एडोप्ट प्रोफेशन के वो कोई शुभाखार कर सके सो शी बिकम्स अ विक्ट ऑफ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ परपेचुअल बोर्डम तो वो शिकार हो जाती है इंतहा दर्जे की किस्म की एक दायमिक उखता की शी थिंक्स दैट शी हैज़ द ओनली टैलेंट ऑफ बोरिंग टू वो कहती है मेरे अंदर इतना ज़्यादा इतनी सलाहियत है बोर होने की कि मैं मौत का शिकार हो जाऊँ शी फाइंडस नथिंग टू क्लिंग टू क्लिंग टू चिपक जाना वो कुछ नहीं जिंदगी में पाती जिसके साथ चिपक जाए नो आकोपेश्व हर सेल्फ ना ही कोई पेशा जिसमें वो खुद को शामिल कर सके शी ऑफर्स शी सफ़र्स फ्राम अ सेंस ऑफ नथिंगनेस कुछ ना होने की के ख्याल से वो की तकलीफ का वो शिकार रहती है एंड पर्पजलेसनेस और बेमानी जिंदगी बेमकद ज़िंदगी से बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी इनक्यूजिटिव बड़ी उमदा है एंड वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर और दरियाफत करना चाहती है द मिस्ट्रीज ऑफ फॉरबिडन वर्ल्ड मना की हुई दुनिया की पुरसरारीत को शी आस्क ऑब्लीक क्वेश्चन वो बारीक सवाल पूछती है फ्राम लॉ बॉक्स है टू सेटिसफाई हर सेंसुअल डिजायर्स अपनी जिसमानी ख्वाहिशा को पूरा करने के लिए बट वैन ही ट्राइज टू एडवास टू हर जब वो उसकी तरफ बढ़ता है शी मेक्स अ कावर्ड चॉइस वो एक बुजलाना इंतखा करती है थ्रेटन सीम और उसको डराती है और धमकाती है विद हर फादर्स पिस्टल अपने बाप के पिस्टल्स के साथ इन इन द केस ऑफ लॉब शी प्रूव्स टू बी अ कन्वेंशनल लेडी लॉबॉक के साथ उसका जो मोहब्बत भरा केस था उसमें वो खुद को साबित करती है रवायती औरत हु इज़ हुए टू ब्रेक जो तोड़ने की नाहल है द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी माशरे की रस्मों को अप विद लॉबॉक के साथ सारे ताल्लुक तोड़ देती है बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकन हैबिट उसकी शराब पीने वाली आदत की वजह से लीव्स हिम टू डाई ऑफ हिज ओन उसको अपनी मौत बनने के लिए छोड़ देती है शी डज़ नॉट ट्राई टू रिफॉर्म हिम वो उसकी सलाह करने की कोशिश नहीं करती पर मिसिज़ एलवेट मे एक मैन लेकिन मिसेजेड जो है वो लॉबो एक नया आदमी बना देती है शी इन डेवलपिंग अ काइंड ऑफ मॉरल पावर मिसिज एलवेस्ट एक अखलाक ताकत के साथ जीत जाती है उसके ऊपर अखलाकी ताकत का गलबा पा लेती है लॉबो के ऊपर मिसेज एलवेस्ट दिस इन्फ्लुंस बिकम्स अ चैलेंज हैडा के लिए ये एक चैलेंज बन जाता है असर जो कि मिसिस इलवेस्ट ने लॉबो को अच्छा करने के लिए क्रिएट किया था फॉर हैडा शी फील्स मच जेलस ऑफ दिस सिचुएशन वो इस सूरत से बहुत हसरत करती है शी कनिंगली इंस्टिगेट्स व मकारी के साथ उभारती है लॉबॉक और टू ड्रिंक टू हज फील्ड वो पेट भर के पिए एंड आल्सो टैंप टू गो ट्पेचलर्स पार्टी और उसको मजबूर करती टैम्प्स और उसको उकसाती है कि कबारों की पार्टी में जाए शी नोज़ वेरी वेल इफ वंस लोबॉक्स ड्रिंक व जानती है कि अगर एक मतलब लॉबॉक ने शराब पी ली एंड गोज टू दार्टी पे चला गया ही वुड डेफिनेटली लूज हज सेल्फ रिस्ट्रेन वो अपना ख़ुद पर काबू खो देगा एंड वुड भी इंडल्ज इन एक्सेसिव ड्रिंकिंग और वह मशगूल हो जाएगा ज़्यादती वाली शराब नोशी में एंड दिस इज हाउ शी कैन डिस्ट्रॉय द इन्फ्लुएंस और इस तरह से वो तबाह करती है उस असर को ऑफ कोिया बिस इज का निक नेम है थिया उसकी बीवी है ये लोबो की ऑन लॉब लॉबॉक के ऊपर ग्रेट प्लानर एंड सक्सीड्स इन सेंडिंग इन द पार्टी वो एक बहुत बड़ी मनसूबा साबित होती है और कामयाब हो जाती है भेजने में लॉबॉक को पार्टी में वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट बदतरीन के लिए बदतरीन ही होता है और रिटर्निंग फ्रॉम पार्टी से वापस पर लॉबॉग लूजस्क्रप्ट मेक्रिप्ट मैनुस्क्रिक कहते हैं मुसवदा लॉबॉग भी प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था यूनिवर्सिटी में तो उसने ये मुसदा लिखा हुआ था मैन्यू स्क्रिप्ट जैसे कि टेस्टमेन भी लिख रहा था फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली खुशकस्मती से बदकस्मती से टेस्टमैन फाइंडस इट टेस्टमैन को वो मुसदा मिल जाता है जो लॉबॉग ने शराब पीने की वैसे घुमा दिया था एंड गिवज इट टू दैा और टेस्मैन हैडा को दे देता है वो ला के टू तो रिटर्न टू तो लॉब कहता है कि तुम लॉबॉग को वापस कर देना बट इन अ फिट ऑफ जेलसी लेकिन हसद के दौरे में हैडा बर्नस द मेन्यू वो इस मुसवदे को जला देती है शी सेज आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया मैं तुम्हारा तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ द चाइल्ड इलिट लॉबॉग गेव यू जो बच्चा तुम्हें इलिट लॉबॉग ने दिया इस मराज उसकी तरक्की उसका थीसिस उसका मसवदा ही उसकी तरक्की और कामयाबी की ज़मानत थी और वो जेलसी में कहती है कि थिया ये देखो मैं इसको जला रही हूँ स्टेज हैडा पियर्स टू बी करडा ालमर होती है एज अ मॉन्सटो जिनकी तरह एज अटिक्रिटिक कहता है हॉर्ड मिस कैरेज कि हेडा एक खौफनाक गलत इस्तेमाल है ऑफ़ द एमेजिनेशन ख्याल का अ मॉन्सर इन अ फीमेल फॉर्म एक जिन है औरत के रूप में टू होम नो पैरालल इसका कोई मुकाबला नहीं कैन बी फाउंड इन अ रियल लाइफी जिंदगी में पाया जाने वाला शी प्रूव हर सेल्फ लाइक अ मर्डर वो खुद को कातिल साबित करती है एंड जस्ट लॉब टू किल हिमसेल्फ और तजवीज़ करती है लॉबॉक के लिए कि खुद को कतल करो एट द टेम्पल कनपटी पे गन रख के एज ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हमसेल्फ क्योंकि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज थीसिस और वह अपना मुसवदा और थीसिस भी खो बैठता है हिज़ चिली शी वो डाई ब्यूटीफुली उसे कहती है कि तुम खूबसूरती से मरो ही कुड नॉट लिव ब्यूटीफुली अगर वो खूबसूरती से जिंदा नहीं रह सकता शी ए पिस्टल वो उसको पिस्टल देती है एज अ सोवीनियर तोहफ़े के तौर पर एंड वी शी सीम टू डाइट ब्यूटीफुली और उसे ख्वाहिश करती है कि खूबसूरती से मर तो जाओ बट इट डज़ नाट है इन द वे शी वांट्स लेकिन इस तरह नहीं होता जैसे वो चाहती है शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड वह घबरा जाती है तुम्हें तो ये जान कर दट वॉज नॉट इन हर कंट्रोल कि लॉबग उसके काबू में नहीं था एंड शी डिड नॉट कमिट सुसाइड है वो खुदकुशी भी नहीं करता अंडर हर इन्फ्लुएंस हैडा के असर तले शी सेज वाई डज एवरी थिंग आई टच वो कहती है कि मैं क्यों हर चीज़ को जिसको छू लेती हूँ बिकम मीन मेरे लिए घटिया हो जाती है ड्यूक्रस और मज़ाइया हो जाती है इट्स लाइक अ कर्स ये मेरे लिए एक लानत है नो शी फाइंड इन द कंट्रोल ब्रैक अब वो कंट्रोल में आ गई है ब्रैक के बिकॉज ही हैजगनाइज द पिस्टल ऑफ है उसनेडा की पिस्टल को पहचान लिया था बाय लॉबॉक जो लॉबॉक के पास थी वाइल शी हैज़ अ ग्रेट फीवर ऑफ स्कैंडल अब हैडा को स्कैंडल का भी बहुत ज़्यादा खौफ है ब्रैक प्रसिवस हर ब्रैक इसको समझ जाता है दिस वीकनेस इस कमजोरी को एंड ट्राइज टू टेक पावर ओवर हाल और हैडा के ऊपर काबू करने की कोशिश करता है ही ट्राइज टू थ्रेटन्स हेडा को वो डराने की धमकाने की कोशिश करता है टू झील के हार मान जाए टू हिज विशिज जज कहता है कि मेरी ख्वाहिशा के आगे हार मान जाओ बट हैडा बींग नॉन कन्फर्मिड चूँकिडा गैर रवायती औरत थी डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पपेट इन देंड्स ऑफ जज ब्रैक के हाथों में वो कटपुतली नहीं बनना चाहती थी हैडा ट्राइज टू वर्ट द कंपनी ऑफ ब्रैक वो ब्रैक की जज ब्रैक की कंपनी से बचने की कोशिश करती है बार बार बाई आस्किंग टेस्टमैन टेस्टमैन से यह कह कहकर वैदर शी कैन डू कि वो कुछ कर सकती है फॉर टेस्टमैन अपने शोर के लिए नरेंजिंग ने मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ लॉबो के मुसवदे की तरतीब लगाने में बट ही डज नॉट केयर फॉर हर लेकिन उसका ख्याल नहीं करता शी ट्राइज हर बेस्ट टू कम आउट वो बेहतरीन कोशिश करती है ऑफ दिस सिचुएशन से बाहर आने की बट ऑल इन वे लेकिन सब बेकार वन शी फेल्स टू लिव अप टू हर आइडियल्स जब वो अपने अपने ख्वाबों के मुताबिक नहीं रह पाती एंड स्टैंडर्ड्स और मैारों के मुताबिक शी प्रफर्स टू डाई ब्यूटीफुली वो ख़ूबसूरती से मरना पसंद करती है एट लास्ट आखिरकार शी प्लेज़ पियानो इन अ फ्रेंजी वो जुनून के अंदाज़ में पियानो बजाती है डांस करती है वायलेंटली तशद के साथ एंड शूट सर हर टेम्पल और अपनी कन पट्टी पर गोली मार लेती है एंड फॉल्स ऑन अ सोफे पर गिर जाती है बिसाइड सर उसके करीब एज अ क्रिटिक सेज शी डाइज फॉर हर सेल्फ वो अपने लिए मरी एंड शी हैड लिफ्ट फॉर हर सेल्फ वो अपने लिए ही जी भी रही थी डिस्पाइट ऑल हर शॉर्ट कमिंग्स उसकी तमाम कमजोरियों के, के बावजूद अंडर माइनिंग हर हजबेंड जो उसके जहन में थी विद हर कोल्डनेस उसके उसकी दिमाग उसके दिमाग का ठंडा होना डिनइंग हर प्रेगनेंसी अपनी प्रेगनेंसी से इनकार करना डिस्ट्रॉइंग थियाज लाइफ वर्क और मिसिज जिसका नाम थी जिसका निक नेम थिया था उसके उसकी ज़िंदगी के काम को वो जला देती है यानी मेन्यूस्क्रिप्ट को बर्निंग लॉबस क्रिएटिव मेन्यक्रिप्ट लॉबो को जला देती है उसके तख्लीकी मसवे को एंड फाइनलींगशी कर लेती है द रीडर स्टिलर पढ़ने वाला अभी भी उसके साथ हमदर्द रखता है एज द प्रॉब हैडाज एम हैडा का मसला बुनियादी तौर पर रोशन करता है द प्रॉब ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी के माशरे के अंदर और औरत के मसायल को बिल्ड बाई मैन उस माशरे में ख़ास जो कि मर्दों ने तमीर किया है शी रेबल्स अगेंस्ट दो बवत करती है ख़िलाफ़ कन्वे बाउंड कंजरवेटिव विक्टोरियन सोसाइटी रस्म व रवाज का बाउंड पबंद कंज़रवेटिव रवायती मलका ए, विक्टोरिया के दौर के माशरे के मैारों को शिडेबल्स अगेंस्ट मेल शेवनज़म वो मर्दानगी के खिलाफ बगावत करती है शिफाइट अगेंस्ट सोसाइटी माशरे के खिलाफ लड़ती है विच प्रोवाइड्स वेरी लिमिटेड रोल टू अ यूनिक वूमेन जो कि एक लासानी औरत को बड़ा कम और महदूद रोल देता है किरदार देता है लाइक लाइक हु हैज़ टू सफ़र स्परिचुअली जिसको रूहानी तौर पर तकलीफ का शिकार रहना पड़ता है एंड यूज़ हर क्रिएटिव फोर्स और वो अपनी तख्लीकी ताकत को इस्तेमाल करती है इन अ डिस्ट्रक्टिव वे तबाह कर देने वाले रास्ते पर एज ए क्रिटिक सेज अ अगेंस्ट सेंचुरी सोसाइटी वो उन्नीसवीं सदी के माषरे के खिलाफ बगावत करती है कन्सपन ऑफ अ वमेन औरत के तस्वर के खिलाफ एज़ बी की औरत को ताबेदार और फर्माबरदार और अतादगुजार क्यों होना चाहिए एंड इनओफेंसिव और औरत और को तकलीफ देने वाली क्यों नहीं होना चाहिए टू कंक्लूड वी कैन से नतीजेतन हम ये कह सकते हैं दैट द करेक्टर ऑफ इज़ द मोस्ट वंडरफुल एंड सटल कंसेप्शन हम ये कह सकते हैं कि हैडा का किरदार जो है वो इन्तहा हैरत अंगेज़ और तेज़ तस्वर पर मुबनी है औरत के इन द होल रेंज ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर अमली अदब के अहाते में हैडा एक बड़ी डिफरेंट करेक्टर है शी इज़ द फीमेल हेमलेट वो एक फ़ीमेल हेमलेट है हेमलेट शेक्सपियर का एक ड्रामा था उसके हीरो का नाम भी हेमलेट था वो बहुत सोच विचार करने वाला होता है लेकिन अमली तौर पर वो कुछ नहीं कर पाता तो इस अमली तौर पर कुछ ना कर पाना और बहुत ज़्यादा सोच विचार करना हेमलेट का कंपेयर किया गया हैडा के साथ इस चीज ये कहा गया है कि शी इज़ द फीमेल हैमलेट वो हेमलेट मेल था और ये फी मेल हैमलेट रेलिवेंट असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट टू आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल स्टूडेंट्स कैन कंसल्ट फ्राम देयर्स थैंक यू वेरी मच इन यूनियन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो बाय बाय